बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने का धमकी दिया जाता है। चलिए सब लोग, किससे बात कर रहे हो आप लोग, मांगे मैं तुमको अभी ना एक फुट तो लिख के दूंगी ना तो फिर जेल में चले जाओगे। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हॉस्टल के छात्रों ने किया प्रदर्शन। बिलासपुर में शासकीय कन्या छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने आज अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया। इसमें बिलासपुर मस्तूरी बड़ौदा बाजार मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। छात्राओं ने इस प्रदर्शन के साथ ही हॉस्टल प्रबंधक पर कई गंभीर और संगीन आरोप भी लगाए। दरअसल मामला पचपेड़ी के शासकीय माध्यमिक शिक्षा मिशन कन्या छात्रावास का है, जहां की छात्राओं ने आज अपनी मांगों को लेकर मस्तूरी बड़ौदा बाजार मार्ग को जाम कर दिया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में उन्हें गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में बेहतर पानी की समस्या, खेल सामग्री, पोषण युक्त भोजन, कंप्यूटर और लाइब्रेरी की सुविधा शामिल है। छात्राओं ने ये भी शिकायत की है कि उनके एक्सपायरी भोजन और नाश्ता दिया जा रहा है, जिसमें उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दवाइयों की कमी पर भी छात्राओं ने सवाल खड़े किए। इसके साथ ही छात्राओं ने प्रबंधक पर संगीन आरोप लगाते हुए उनका अश्लील वीडियो बनाते और धमकाने का भी आरोप लगाया। इस विरोध में चलते छात्रावास में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन से जल्द इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है। इधर छात्राओं के आक्रोश पर आरोप के बीच डीईओ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। बिना कपड़ों के हमारा वीडियो बनाने का धमकी दिया जाता है और हमारे भी कोचिंग क्लासेस जाते हैं उसको भी नहीं करवाती है। हमारे पेरेंट्स को कैसे भी टाइम पर हमारे पेरेंट्स को टैक्सी को गालियां देते हैं। हमारे पेरेंट्स गरीब है, उसमें क्या हमारी क्या गलती है जो इस हॉस्टल में भाग के चले गए हैं। एक मिनट उड़िया, हमें इतना प्रेशर देती है ना कि हम पढ़ भी नहीं पाते, इसलिए हमारी ज्यादा खराब आता है। हमें एक सैर नाश्ता दी जाती है, हमारा बिना कपड़ों का वीडियो बना दूंगी करके धमकी देती है। हमारे मम्मी पापा गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन हम पढ़े नहीं है ना पढ़ लिख रहे हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं पर उतर गए। इस तरह की बात है और क्या हॉस्टल में जो बच्चियां रहती हैं, जिस विद्यालय में हम लोग बैठे हैं, शासकीय उत्तर माध्यमिक कन्या उत्तर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़ी, यहीं अध्ययन रहती हैं। बच्चियां अचानक आज सड़क पर कुछ बातों को लेकर के सीधे हड़ताल पर उपस्थित हो गई हैं, चक्का जाम करने को। हम लोगों ने लगातार यहाँ के प्राचार्य से बात किया, हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट से बात किया और अधिकारियों से भी फोन आया और मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हो गया। मैं डॉक्टर अनिल तिवारी ADPO हूँ समग्र शिक्षा का, और तहसीलदार मैडम भी यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस प्रशासन के भी लोग भी, सबके बीच में उन 100 बच्चों को स्कूल में बिठा करके चर्चा की गई है। 22 बिंदुओं पे उन्होंने अपनी मांग रखी है और सबसे बड़ी उनकी शिकायत थी कि हमको मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता है, या दूसरा शाम के समय या किसी भी समय हमको खिड़की खोलने के लिए नहीं दिया जाता, वाटर कूलर होना चाहिए, 100 सीटर हॉस्टल और उसमें 108 बच्चे एडमिट किए गए हैं, भर्ती किए गए हैं। इन सब 22 बिंदुओं पर बच्चों ने अपनी बातें की हैं। उसके बाद हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट की तरफ से जो कमियां हुई हैं उसको भी बताया गया है। जो बच्चियों के संबंध में सुरक्षागत उपाय है और सैनिटरी सामग्री प्रदाय किया जाना है, उसके संबंधों में भी उन्होंने शिकायतें की। सब बातों को सुनने के पश्चात तहसीलदार मैडम, यहाँ की एक महिला व्याख्याता, यहाँ के प्राचार्य और शाला विकास समिति के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में चर्चा की गई है। चर्चा में जो बिंदु था उसको तत्काल हल करने का भी नायब तहसीलदार मैडम ने अपनी तरफ से अभी तत्काल प्लम्बर मंगा बुला करके उनको सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा के लिए मैंने कहा है तुरंत आपको किताबें उपलब्ध है, उसके अलावा भी किताब उपलब्ध हो जाएगी। सारी आधा चीज़ों को तो हमने यहीं पर उनके समक्ष ही हल किया है और उसमें बच्चियों ने संतोष भी जाहिर किया है। अधीक्षिका को हटाने की मांग कर रहे थे इसमें? हाँ, बच्चियों की तरफ से एकाएक तो नहीं आया है अधीक्षिकाओं को हटाने के लिए, लेकिन अंत में उन जनप्रतिनिधियों से परिचित नहीं हूँ, उन्होंने खड़े होकर के पूछा है, तब बच्चियों ने कहा है कि हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट को नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत में पूरे 22 बिंदुओं पे चर्चा करते हुए कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट, कुछ आरोप भी लगाया सर अधीक्षक? ऐसा कोई व्यक्तिगत आरोप उनके ऊपर नहीं लगा है। सामग्रियों की कमी के संबंध में जरूर बताया गया है कि ये कमियां रहती हैं। क्या कार्रवाई होगा सर?
इसमें सारी 22 बिंदुओं पे अभी जो जनप्रतिनिधि उपस्थित है और हम लोग अधिकारीगण आए हैं उस जो कि बच्चियों से जो बातें आए हैं उसको अभिलेखीकरण किया गया है। अभिलेख में जो बातें आएंगी उसको हम लोग उच्च कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या कलेक्टर महोदय के द्वारा। पहले छात्र स्कूल के प्रचार को भी शिकायत दिए हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं आया है। संज्ञान में प्राचार्य महोदय बैठे हैं, यदि कोई बात हो तो हमारे तक पहुंचता है, जिला कार्यालय तक ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी अभी शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं शायद मधुकर जी, उन्होंने समझाइश दिया है बच्चों को कि आप लोग बच्चों का काम यह है कि अगर कोई शिकायत है तो हमें अपने इमीजिएट अधिकारी को पहले बताना चाहिए, प्राचार्य को पहले बताना चाहिए। तो प्राचार्य तक कोई बात नहीं आई है और बच्चे सीधे तो लिखित में शिकायत दिए है, आवेदन भी दिए तो प्राचार्य बैठे हैं बताएंगे, तो उन्होंने भी तो नहीं दिया है बोल रहे ना। हाँ, नहीं दिया है लेकिन छात्र तो लेकिन आपको बताऊं छात्र नहीं बोल, छात्रों ने अध्यक्ष मधुकर जी को ये कहा कि हम आप बेटा सीधे क्यों चले गए, किसी की शिकायत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम शिकायत नहीं किए, तो उन्होंने समझाइश दिया बेटा पहली बार कर लियो बच्चे हो, लेकिन अपने घर के मुखिया को पहले शिकायत करना चाहिए। तो किसी को कुछ कार्रवाई हो रही क्या? कार्रवाई का ऐसा आश्वासन मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो जांच में आएगी, जांच प्रक्रिया में अभी सभी जांच अधिकारी बैठ करके उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी।